स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास कोई भी समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अथक प्रयत्न के बाद भी वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उनके शुभ कामों में कोई न कोई बाधा आके दीवार बनके खड़ी हो जाती है और उनका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे किसी की शादी नहीं हो पा रही है, कितने ही प्रयत्न के बाद लास्ट में कोई न कोई ऐसा विघ्न आता है कि वो शादी टूट जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। कितने लोग काबिल होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। कितने लोग उनके पास सब कुछ सेटअप है, पैसे भी हैं और बिजनेस स्टार्ट करने की उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी उनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा। कितने लोग बिजनेस ऑलरेडी सेटल होते हुए भी उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, उसमें बरकत नहीं हो रही। कोई न कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति उनके रास्ते के बीच का कांटा बनी हुई है। तो जब इस तरह का जहां बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते और उनके पास पैसे की धीरे 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 नुकसान करते करते वो माइनस ही होते चले जाते। तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रिया रामबाण साबित होगी। ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि प्रदोष काल कब है। सोम प्रदोष में अगर करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, नहीं तो आप किसी भी दिन प्रदोष काल के अंदर ये छोटी सी पूजा आपको करनी है। ये पूजा कभी भी कर सकते हैं, शर्त यह कि ये कि प्रदोष काल के अंदर आपको ये करना है, वो देख लें। प्रदोष काल के समय आपको नहा धो के स्वच्छ होके भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, शिवालय। शिवालय में दोस्तों आपको सभी को पता है माता गौरी की भी मूर्ति होती है और उनके हाथ में हस्त कमल होता है, माता गौरी के हाथ में। आपको मंदिर में एक लोटा जल लेके जाना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और आपको कच्चा धागा, कोई भी पूजा पाठ का सामान मिलता है उस दुकान पे आपको मिल जाएगा। धागा कच्चा होना चाहिए दोस्तों, कच्चा धागा लेके आपको जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पे जाके आपको जो दूध और जल आप जो लोटा में लेके गए हैं वो दूध और जल आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग। आपको साथ में मक्खन भी लेके जाना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेके जाना है। जल अर्पित करने के बाद आपको कच्चा धागा लेना है और एक छेड़ा आपको शिवलिंग पर रखना है कच्चे धागे का, और उस दूसरे हाथ से आप जो कमल पुष्प है देवी के हाथ में, उस पुष्प से आपको इस तरह से धार बनानी है, छह लाइन आपको बना लेनी है। दोस्तों ध्यान रहे, एक छेड़ा एक हाथ के शिवलिंग के ऊपर रख के दबा के रखना है, दूसरे हाथ से आपको वो कच्चे धागे का बंडल हाथ में ले लेना है और आपको छह धार इस टाइप से हस्त कमल के लपेटते हुए बना लेनी है। छह धार बनाने के बाद
दोस्तों आपको उसी कंडीशन में रखना है। इसको यज्ञोपवीत कहा जाता है दोस्तों, और यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ये कहा है, उनको जो भी यज्ञोपवीत अर्पित करेगा उसके सारे दुख सारे कष्ट वो पल भर में ही हरण कर लेंगे। ये भोलेनाथ के स्वयं के शब्द हैं। ये छह धार बनने के बाद आपको मक्खन का जो आप लेके गए हैं बटर, उसकी गोटी से वो धागे के ऊपर मक्खन लगा देना है पूरे। और जिनकी शादी फर्स्ट बार हो रही है वो कन्या या लड़का कोई भी हो, उसको हल्दी पाउडर में हाथ में लगा के और हल्दी ही उस धागे में लगा देनी है। जिनकी शादी होने के बाद टूट गई है या फिर डिवोर्स नहीं हुआ है और वो लोग मानसिक रूप से अलग रहने लग गए हैं, ऐसे लोगों को या फिर जिनका डिवोर्स हो गया है तलाक हो गया है, ऐसे लोगों को दूसरी बार शादी के लिए भी ये किया कर सकते हैं। पर उनको जो शादी शुदा है उनको हल्दी नहीं लगानी कच्चे धागे, हल्दी सिर्फ उनको लगानी है जिनकी शादी पहली पहली बार होने जा रही है। और अगर आपके दूसरे कामों के लिए भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो भी आपको हल्दी नहीं लगानी, सिर्फ मक्खन लगा देना। और ये लगाने के बाद आपको दोनों तरफ से उस यज्ञोपवीत को मतलब कच्चे धागे को निकाल लेना है, अष्ट कमल से और शिवलिंग के ऊपर से दोनों तरफ से हटा लेना। दोस्तों ध्यान रहे यज्ञोपवीत उलझना नहीं चाहिए, वो सुलझा हुआ ही होना चाहिए और आप उसको लेके और शिवलिंग पे उसको चढ़ा दें। शिवलिंग पे इस तरह से आप उसको चढ़ा दें, पहना दें शिवलिंग। यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने का मतलब है कि आपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। इस पूजा से भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि आपको मन चाहा वरदान देने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। आपकी जो भी इच्छा है पैसे संबंधी, आपके जो भी रुके हुए काम, आपका बिजनेस, आपकी सर्विस, आपकी जो भी बाधाएं हैं आपकी कामयाबी के बीच में, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर चारों तरफ से बरसने लग जाएगी और आप देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपकी गिनती धनवान व्यक्तियों के रूप में होने लग जाए। तो चलिए दोस्तों ये क्रिया बहुत ही कारगर करने के लायक है, करते रहिए इसको। करने या समझने अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य।